अस्सलाम वालेकुम। अगर आप क्रिकेट की वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए आपको आई कैची थंबनेल बनाने का तरीका आज मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। अगर हमारे चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इस पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दोस्तों दिखाई देगा, ठीक है। इस तरह का इंटरफेस आपने सबसे पहले जो है थंबनेल का साइज़ सेलेक्ट करना है। यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का आ जाएगा। इमेज साइज़ पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कस्टम लिखा हो इसके साथ डॉट है, डॉट पे क्लिक करना है आपने तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आपने YouTube थंबनेल पे क्लिक करके ओके कर देना है, ठीक है। तो स्क्रीन को हम बड़ा कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको टेक्स्ट नज़र आया, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आपने डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। तो स्क्रीन पे भी फुल इसको कर देते हैं। ये इस तरह से मैं रोटेट कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका इस तरह से जो है रोटेट हो जाएगा। अब यहाँ पे इजी आपको रहेगा समझने के लिए। तो देखें यहाँ पे आपको प्लस आइकन मिल रहा है, प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आपने सबसे पहले जो है कोई एक बैकग्राउंड के लिए इमेज ले लेनी है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कहीं से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद किस तरह से आपने बैकग्राउंड में यूज़ करनी है, तो यहाँ से मैं ये पिक ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको हार्दिक पांड्या नज़र आ रहे हैं, सॉरी हार्दिक माने सूर्य कुमार यादव। इसके साथ जो बैकग्राउंड है इसको मैं इतना सिलेक्ट करके यहाँ पे साइड पे आपको ओके का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह का आ जाएगा। यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इसको स्क्रीन पर इस तरह से मैं खींच के जो है मुकम्मल फिट कर दूँगा, ठीक है। स्क्रीन पे इस तरह से आपने एडजस्ट कर लेना है। फुट फिट करने के बाद यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड सेलेक्ट हो चुका है। दोबारा प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करेंगे। अब आपने जो है एक दो पिक्स लेने हैं किसी भी खिलाड़ी की जिसके दरमियान मैच होना है। अभी श्रीलंका और इंडिया के दरमियान ओडी सीरीज़ होनी है, तो मैंने रोहित शर्मा और मेंडिस की पिक्स यहाँ पर ले ली हैं, ठीक है। तो ये देखें इसको मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर रखा है। तो यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे और इसको जो है यहाँ से इस तरह से आप खींच के थोड़ा सा बड़ा करके इसको एक साइड पे लगा देंगे, ठीक है। लेफ्ट या राइट पे जैसे भी आप लगाना चाहते हैं। तो यहाँ से मैंने लगा दिया। उसके बाद दोबारा से मैं प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा। सेम प्रोसेस जिस तरह से रोहित शर्मा की पिक के साथ किया है वैसा ही जो है मेंडिस की पिक के साथ करूँगा, ठीक है। हमारे चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करते जाएंगे दोस्तों और लाइक भी कर देंगे। इसका जो यहाँ पर आपको एक इंटरफेस मिल रहा है इसको साइड चेंज करनी है, तो यहाँ पर क्लिक करके साइड चेंज कर लेंगे और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसकी तस्वीर को छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं, ओके। यहाँ से मैं इतना एडजस्ट कर लूँगा, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो इतना काम हो चुका है। अब जो है हमें पट्टी चाहिए, तो हमें क्या करूँगा यहाँ पे इन तस्वीरों को सबसे पहले लॉक करूँगा ताकि ये मूव लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट मूव ना करें, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इन दोनों को लॉक कर देना है, ओके। लॉक करने के बाद आपने दोबारा प्लस आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे शेप का ऑप्शन मिल रहा है, शेप पे क्लिक करेंगे और इसकी जो साइज़ है अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर टॉप पर आपने इस तरह से एडजस्ट करना है। अब इसका कलर चेंज करना है तो नीचे स्क्रोल करेंगे, आप इसका येलो रेड जो भी कलर रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो मैं रेड रखूँगा क्योंकि रेड मेरा फेवरेट कलर है, तो यहाँ पे मैंने रेड कलर रख दिया, ओके कर दिया। और यहाँ पे ए के साथ जो है आपको ये वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे ये स्ट्रोक का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है आपने, इसको अनेबल कर देना है। स्ट्रोक आपका रेड के ऊपर जो वाइट लग चुका है, ओके। तो इतना करने के बाद आपने दोबारा जो प्लस आइकन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपने किसी भी टीम का नाम लिखना है। यहाँ पर ए पे क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप हम लिख देते हैं इंडिया वर्सेस सॉरी श्रीलंका वर्सेस इंडिया या इंडिया वर्सेस श्रीलंका लिख सकते हैं। सीरीज ओडी सीरीज 2024 इंडिया वर्सेस श्रीलंका, यहाँ पे जल्दी से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए बहुत आसान है यार थंबनेल बनाना। इस तरह का आई कैची थंबनेल आप बनाएंगे तो आपके व्यूज़ भर भर के आएंगे। तो यहाँ पे सीरीज़ लिख देते हैं, ठीक है, और 2024 भी लिख देंगे साथ में। 2024 लिखने के बाद ओ डन कर देंगे और डन कर देंगे। अब इसका साइज़ जो यहाँ पर खींच के आप बड़ा कर लेंगे और यहाँ पर इसको इस तरह से एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये बहुत रोमांचक बन चुका है यहाँ पर, ठीक है। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, अब दोबारा आपने प्लस आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है दोबारा से आपने एक शेप ले लेनी है, ठीक है। शेप लेने के बाद आपने सिंप्लीफाई करना है इसको, आपने इस तरह से करके इतना स्लाइड और नीचे दोबारा आपने स्क्रॉल करना है। येलो कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। स्ट्रोक जो है यहाँ से मैं कौन सा देने वाला हूँ, वाइट वाला, अच्छा है, ठीक है। स्ट्रोक भी दे दिया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इंडिया वर्सेस
इंडिया वर्सेस कुछ भी लिख सकते हैं आपकी मर्ज़ी, इसको कॉपी कर लें तो अच्छा है क्योंकि आपको लेयर बार बार नहीं बनाने पड़े। एक बार लेयर बना लेते हैं यहाँ पे, तो ये हमने कॉपी करके इसको थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है। और अब दोबारा टेक्स्ट जो ऊपर लिखे थे इंडिया वर्सेस श्रीलंका, इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ से कॉपी करने के बाद इसको रिमूव इस तरह से कर लेना है, ठीक है। दोस्तों बहुत ही अच्छी वीडियो लग रही होगी आपको, आप दोस्तों को जितनी अच्छी लग रही है उतना ही आपने दोस्तों ने प्यार देना है, ठीक है। तो यहाँ पे श्रीलंका वर्सेस इंडिया मैं इनको शॉर्ट नेम के साथ लिख लूँगा, ओके कर दूँगा, इसको बड़ा कर दूँगा। अब यहाँ पे फॉन्ट की बारी आती है, ये बहुत ही कीमती पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर नीचे स्क्रोल करेंगे, यहाँ पर आपको फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा, नीचे स्क्रोल करता हूँ और यहाँ पर ये फॉन्ट वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। ये फॉन्ट अक्सर दोस्त आपको नहीं बताते लेकिन मैं आपको प्योरेस्टली बता रहा हूँ। नीचे स्क्रोल करेंगे, यहाँ पर खत अरबी के साथ नाम से जो है एक फ़ॉन्ट है, इस पर क्लिक करें, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ॉन्ट है, आपको बोल्ड अल्फाज मिल जाते हैं। और इसका कलर जो है यहाँ पे कलर पे क्लिक करके इसका कलर जो है वो रेड कर लेंगे, ओके। तो दोस्तों इतना काम होने के बाद अब टेक्स्ट को दोबारा कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट ODI, ठीक है, पहला ODI, या दूसरा जैसे भी है, T20 जो भी है, जो भी अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट ODI में लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ODI लिखने के बाद ओके कर दूंगा, वंस अगेन ओके कर दूंगा और यहाँ पे इसको लगा दूंगा, ठीक है। लगाने के बाद यहाँ पे दोबारा से हमें एक और चाहिए, अगर आप लाइव करते हैं तो आपका लाइव नीचे लिख सकते हैं, अगर अपने वैसे मैच की हाइलाइट्स दिखाने तो उतना इतना काफ़ी है। एक बार दोबारा से सेव पे क्लिक करेंगे, इसको छोटा कर लेंगे, यहाँ पर लगा देंगे और इसका कलर हम रखें रेड। रेड रखने के बाद दोबारा से सेंटर में जाएंगे, स्ट्रोक देंगे यहाँ पे वाइट वाला, ओके जी ठीक हो चुका है। और यहाँ पे टेक्स्ट हमें लिखना पड़ेगा लाइव का, कैपिटल लिखें स्मॉल लिखें वो आपकी अपनी चॉइस है, जैसे आप अच्छा लगता है आपको वैसे ही कर लें। तो यहाँ पे मैं लाइव लिख लूँगा क्योंकि अक्सर आप देखते हैं यूट्यूब के ऊपर लाइव स्ट्रीम चल रही होती है, इस तरह से मेरे दोस्त वो बनाते हैं। और यहाँ पे इस तरह से मैं ले लूँगा और इसका साइज़ यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा, थोड़ा सा इसको बड़ा करूँगा, तो इस तरह से खींच के बड़ा कर लेना आपने, ठीक है। करने के बाद अब देखिए यहाँ पे फिट नहीं आ रहा, तो इसको जो नीचे बैकग्राउंड है उसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगा इस तरह से, और यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगा, लाइव जो है यहाँ पे लगा दूँगा, ओके। तो लाइव लाइव इस फॉन्ट जो है दोबारा से मैं सेलेक्ट यहाँ पर कर लूँगा फॉन्ट, क्योंकि वही बड़ी है और ख़त अरबी जो है ये वाला, ओके ओके कर दिया। और यहाँ पे थंबनेल हमारा तैयार हो चुका है, अब हमने इसको सेव कैसे करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेव एज इमेज पे क्लिक करेंगे। हाई क्वालिटी में आपने कैसे करना है वही आपको बता रहा हूँ, कस्टम इसके साथ डॉट है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक किया, अल्ट्रा पे नीचे लास्ट पे ऑप्शन है, अल्ट्रा पे क्लिक करेंगे और सेव टू गैलरी कर देंगे, तो इस तरह से आपका जो थंबनेल है वो सेव हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।